इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां मौसम में खराबी की वजह से पीएम मोदी रांची में रुके थे और वर्चुअली उन्होंने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को रवाना किया। मौसम खराब के चलते रांची से ही उन्होंने हरी झंडी दिखाई और 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने रवाना किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, रांची से ही पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। राहुल, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए राहुल, अब जाकर पीएम मोदी ने रांची से ही हरी झंडी दिखा दी है। जी बिल्कुल, जमशेदपुर पटना जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी उसको हरी झंडी रांची एयरपोर्ट के लॉज से ही ऑनलाइन माध्यम से पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है और उस ट्रेन को रवाना कर दिया गया। हालांकि जो स्टेशन पे कार्यक्रम आयोजित है उसमें राज्य के राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, उस कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से ही रांची एयरपोर्ट से संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हालांकि जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, रेड अलर्ट जारी है, उसके बावजूद बिल्कुल राहुल, दोबारा आपका रुख करेंगे और दर्शकों को सीधे जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहाँ शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। रहेगा हर गरीब भाई बहन को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन 5-5 साल पूरे नहीं होते, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी 3 महीने चुनाव के हुए, पहली कैबिनेट की बैठक में गरीबों की कितनी चिंता है उनको, पहली कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया कि 3 करोड़ मकान भारत के गरीबों को और बना के दिए जाएंगे, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में। आज जमशेदपुर की इस पवित्र धरती से मुझे कहते हुए गर्व है, ऐसा कब हुआ है? 3 महीने के अंदर 40 लाख मकान स्वीकृत कर दिए गए और 3 करोड़ मकान के लिए भी राशि स्वीकृत कर दी गई, 3 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा। और मेरे भाई और बहनों, अब कोई गरीब कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा, हर गरीब को पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। एक बार ताली बजा के अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और आज उसी योजना के तहत झारखंड वासियों को मकानों की सौगात मिल रही है, 1,13,400 से ज्यादा मकान इसी साल झारखंड की जनता की गरीब जनता के लिए स्वीकृत किए गए। और बाकी भी चिंता मत करना, जो शेष बचे हैं हर साल उनके लिए मकान स्वीकृत किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत भी अत्यंत पिछड़ी जनजाति के जितने भी गरीब भाई बहन हैं उन सबको पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। झारखंड की धरती पर कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और केवल मकान नहीं दिए जा रहे, मकान के साथ साथ प्रधानमंत्री जी घर में उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, रसोई गैस कनेक्शन के साथ साथ बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और इतना ही नहीं मुफ्त में भविष्य में बिजली मिल सके, इसलिए पीएम मुफ्त बिजली घर योजना की सौगात। और घर में टॉयलेट के लिए अलग पैसा और प्रधानमंत्री आवास के लिए जो पैसा मिल रहा है उसके साथ साथ मनरेगा की भी 95 दिन की मजदूरी दी जाएगी। मतलब आपकी जिंदगी बदलने का पूरा इंतजाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और एक बात और बताना चाहता हूं आपको, कुछ गरीब पहले जो मकान की पात्रता थी उसमें 10,000 रुपया जिसकी मासिक आमदनी होती थी 10,000 रुपया से ज्यादा उसको मकान नहीं मिलता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा लखपति दीदी बनानी तो हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया से ज्यादा करनी है, इसलिए उन्होंने तय कर दिया कि 15,000 रुपया तक भी जिनकी आमदनी हर महीना होगी उनको भी पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। दो पहिया वाहन पहले स्कूटर मोटरसाइकिल होती थी तो मकान नहीं मिलता था, लेकिन अब ये तो गरीब की जरूरत है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया 2 पहिया वाहन जिनके पास है उनको भी मकान बना के दिए जाएंगे।
और इसके साथ साथ जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है उनको भी मकान बना के दिए जाएंगे। ऐसे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है हमारे, जिनका दिल गरीबों के लिए धड़कता है। हमारे अपने गरीबों के हितैषी प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ गए हैं, उनका अभिनंदन कीजिए और एक बार मेरे साथ बोलिए भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद। मेरे भाई और बहनों, मोदी जी हैं तो मुमकिन है आज गरीबों के सपने साकार करने के लिए आपसे जुड़े हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।